University campus. Today our topic is animal and plant cells. Animal and plant cells are similar in many features, but few differences are also present. This one is an animal cell and that one is a plant cell. In animal cell, the outermost covering is known as a cell membrane. In plant cell, the outermost covering is known as a cell wall. Different organelles के अंदर present होती हैं। इनके first one हमारे पास है endoplasmic reticulum and then हमारे पास nucleus है, vacuole है, mitochondria है, ठीक है, centrioles है, cytoplasm है। अब देखिए इनके जो है function भी different ही होंगे। अब अगर हम बात करते हैं plant cell की, तो plant cell में जो है center में जो, अब देखिए यहाँ center में है nucleus present है, ठीक है, यहाँ सेंटर में है न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो इनके सेंटर में क्या आ जाता है, लार्ज वैक्यूल आ जाता है, ठीक है। और एनिमल सेल्स में मोर देन वन वैक्यूल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा वैक्यूल है इसके अंदर, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही लार्ज वैक्यूल होगा और उसका जो न्यूक्लियस होगा बिल्कुल साइड पे होगा, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसे हम बोलते हैं, वो है सेल वॉल। और ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारे पास है ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये जो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। अब इनके अगर हम फंक्शंस को देख लेते हैं, तो फंक्शन में हमारे पास ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है हमारे पास नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस ये है कि वो तमाम सेल को जो है वो सारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। वैक्यूल जो है वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटीरियल वाटर एयर एंड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। और सेंट्रियोल जो है सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ठीक है, टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। और जो है हमारे पास जो प्लांट सेल है वहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए ज़रा इसका अगर हम देख लेते हैं इनका न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में देखिए ज़रा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस जो है इसके अंदर ये जो अपना थर्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो इसकी आउटर कवरिंग होगी उसे हम बोलते हैं ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें अब हम डिफरेंस ये देख लेते हैं। डिफरेंस में ये है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल से प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल जो है प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं है, ठीक है, सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा साइड पे है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और वो क्यों है, ताकि इसके अंदर जो है वो क्या कर सके, प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। लास्ट में हमारे पास है सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो है वो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये जो जो इसकी थिन मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, सराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लास अगर आप लोगों इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर में, तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें। अल्लाह हाफिज़।